हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारा डायमंड कलेक्ट करे, आप लोग देखे हैं। डायमंड कलेक्ट करने के लिए कैनन चलाना पड़ा। कैनन में टीएनटी के लिए हमको एनसीटी में फॉर्म बनाना पड़ा, सैंड फॉर्म। तो आप लोग देखे ही है सब। अब हम जो है ना सैंड फॉर्म को और गन पाउडर फॉर्म को यूज़ करके टीएनटी बना के नेदर में जाने वाले हैं। नेदर में धूम मचाने वाले हैं, इंशर डेब्रिस को कलेक्ट करने वाले हैं। नेदर में इंशर डेब्री कलेक्ट करते वक्त मैं लावा में गिर गया। लावा से बचने के लिए फायर वाला जड़ी बूटी पी लिया और फिर उसके बाद गास्ट से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। तो उस लड़ाई में आपका भाई जीत गया। और फिर लड़ाई में जीतने के बाद इंशर डेब्री कलेक्ट करना था, तो उसके लिए ब्रिजिंग करते करते मैं इंशर डेब्री कलेक्ट कर लिया। देखिए कितना खतरनाक ब्रिजिंग किया मैंने। तो दोस्तों हम पूरी फुल वीडियो देखेंगे, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, नेदर में चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमको नेदर में जाना है। नेदर में जाके बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करना है। तो एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए हमको चाहिए पहले गन पाउडर और सैंड। तो उससे पहले हमको चाहिए कुछ बॉक्सेस। तो यहाँ पे देखिए शुल्कर बॉक्स है यहाँ पे अंडर चेस्ट में मेरे, और फायर रेसिस्टेंट के पोशंस भी हैं। तो चलते हैं बाहर, चल के हम पहले गन पाउडर ले लेंगे, उसके बाद फिर सैंड भी लेंगे। चलिए बाहर निकलते हैं, हम गन पाउडर फॉर्म पे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा वर्ल्ड कितना ज़बरदस्त है। और ये बाजू का जितना भी फार्मिंग है ना, ये पूरा क्लियर करना है मेरे को। तो चलिए अब सबसे पहले हम गन पाउडर फॉर्म पे चलते हैं। ये देखिए ये मेरा आयरन फॉर्म और गन पाउडर फॉर्म। गन पाउडर फॉर्म पे आके हम सबसे पहले एक तीन शुल्कर बॉक्स निकाल लेंगे। इसके अंदर से तीन शुल्कर बॉक्स भर के हम गन पाउडर ले लेंगे यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स तीन शुल्कर बॉक्स लगा दिया मैं यहाँ से। सारा गन पाउडर उसके अंदर शिफ्ट कर दूंगा तीन शुल्कर बॉक्स में। ये देखिए दोस्तों अंडर चेस्ट में तीन शुल्कर बॉक्स भर के गन पाउडर रखा, फिर खाली प्लेस जितनी भी थी ना उसके अंदर भी गन पाउडर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर्म पे पूरा गन पाउडर खाली हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा एनसीटी में। तो एनसीटी में जाने के लिए पहले नेदर में जाना पड़ता, आप लोगों को मालूम ही है। तो सीधा हम चलते हैं नेदर में। ये देखिए फ्रेंड्स हम आ गए नेदर में। अब इसके अंदर बैठेंगे, राइट लेके सीधा चलेंगे एक पोर्टल के पास। वहाँ से हम जाएंगे एंड पोर्टल में, एंड पोर्टल के पास जाएंगे, वहाँ से हम एंड में जाएंगे। तो क्या शॉट लगा इसको, गास्ट को एक ही शॉट में निपटा दिया। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए पोर्टल के पास। इस पोर्टल से हम सीधा जाएंगे एंड पोर्टल के पास। ये देखिए सीधा एंड पोर्टल के सामने आ गए और हम इसके अंदर जंप करेंगे, सीधा एंड में पहुँचेंगे। तो यहाँ से सीधा बाहर निकल के सीधा अपने फॉर्म पे चलते हैं। थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। देखिए सीधा हम यहाँ पे आ गए सीधा। अब नीचे जाएंगे, चश्मे से सैंड को भर लेंगे और यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। देखिए दोस्तों तीन शुल्कर बॉक्स भर के मैं सैंड लेके आया और मेरे चेस्ट में भी थोड़ा सैंड लेके आया मैं, और तीन बॉक्स भर के गन पाउडर लेके आया। अभी हम क्या करेंगे, फटाफट से टीएनटी बना लेंगे, कितने टीएनटी बनते हैं देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक शुल्कर बॉक्स में और इतना टीएनटी आ गया और थोड़ा बाकी है। तो हम यहाँ पे थोड़ा तलाश करेंगे, थोड़ा बहुत मिल गया तो यहाँ से और बना लेंगे। देखिए सैंड तो है यहाँ पे और गन पाउडर ले लेंगे, यहाँ पे गन पाउडर भी है थोड़ा बहुत, जितने भी बनते हैं बना लेंगे फटाफट से। बना लेके एक शुल्कर बॉक्स में कितने होते हैं देखेंगे। ये देखिए तकरीबन शुल्कर बॉक्स भर ही गया समझिए, पाँच स्टैक खाली है सिर्फ।
तो चलिए सीधा चलते हैं, ये खाली बॉक्स भी उठाते हैं और सीधा नेदर में जाके धूम मचाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसी के सिलसिले में हम ये सब कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जितने भी ये स्टैंड्स है ना, इसके ऊपर अपन नेदरराइट के आर्मर्स लगाने वाले हैं। उसके लिए हमको नेदरराइट चाहिए, ये देख सकते हैं, ये टोटली 160 आर्मर्स है, आर्मर स्टैंड्स देख सकते हैं आप लोग, 160 आर्मर स्टैंड है और उसके अंदर 4 पीस है एक एक में। तो 4 पीस के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 नेदरराइट चाहिए हमको। लेकिन और 160 हमको क्या चाहिए, एक एक तलवार चाहिए, कुछ भी सॉर्ड या फिर कुछ भी चाहिए, ताकि आर्मर के स्टैंड पे लगाने के लिए अच्छा दिखे। उस लिए क्या हो रहा, पूरा 800 हो जा रहा, 800 × 4 मतलब एक एक नेदरराइट बनाने के लिए 4 स्क्रैप चाहिए, नेदरराइट स्क्रैप चाहिए। तो एक एक एंशिएंट डेब्री से एक एक नेदरराइट स्क्रैप निकलेगा, तो 4 स्क्रैप लगाने से एक नेदरराइट इंगेट बनेगा, तो 3200 एंशिएंट डेब्रीज होते। तो 3200 को हम स्टैक में कन्वर्ट करें तो पूरे टोटली 50 स्टैक हमको एंशिएंट डेब्रीज चाहिए। तो 50 स्टैक को हम अगर शेल्कर बॉक्स को देखेंगे तो शेल्कर बॉक्स में एक में 27 स्टैक्स आते, तो अपने को 50 चाहिए। तो अगर इसको दुगना कर लेंगे, 27 × 2 कर लेंगे, तो 54 स्टैक्स आते, मतलब लगभग 2 शेल्कर बॉक्स भर के हमको एंशिएंट डेब्रीज चाहिए। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, मैं पोर्टल के पास आ गया, हम सीधा अंदर चलते हैं। ये देखिए हम इधर नेदर में आ गए, तो पास में ही मैं बनाया है इसका, तो यहाँ पे चलते हैं। चल के अंदर यहाँ पे पूरा मैं ज़बरदस्त तरीके से माइन बना दिया ऑफलाइन में। तो ये देखिए, ये है मैं बनाया सो माइन, ये देखिए। और लेफ्ट राइट दो तरफ भी जाते रहते, ये लंबे लंबे रास्ते हैं, तो हम सारा ये TNT से भर देंगे। अभी मैं जितना भी TNT लेके आया ना, पहले वो फोड़ूंगा, उसके बाद जो है ना फिर से TNT लेके आके धूम मचाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले लास्ट में चलते हैं। ये देखिए मैं लास्ट में आ चुका हूँ, अब यहाँ पे TNT लगाना शुरू करेंगे। शुल्कर बॉक्स लेके इसके अंदर से TNT निकालेंगे, देख सकते हैं एक शुल्कर बॉक्स भर के है लगभग। तो ये सारे TNT लगा के जितना हो सका पूरा फोड़ देंगे, उसके बाद बाकी जितना भी है ना ऑफ कैम पे या फिर मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते हुए मैं निकालूंगा, क्योंकि ये फोड़ते फोड़ते बहुत दिन लगने वाले हैं और वीडियो इतनी रिकॉर्ड होती कि अपन एडिट नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से मैं करूँगा। तो देखिए मैं जितना भी TNT लगा रहा हूँ, ये म्यूज़िक के साथ आप एंजॉय करिए बहुत तेज़ी के साथ। अभी हम TNT लगाएंगे। दोस्तों, मैं TNT एक ब्लॉक छोड़ के एक TNT लगा रहा हूँ, क्योंकि दो ब्लॉक छोड़ेंगे ना तो TNT नहीं फटते, बीच में एक एक बार रुक जाते, तो नहीं रुके वैसा फटते ही रहना, इसलिए दोस्तों कल मैं TNT बिछाया था माइन में, तो अब माइन में जाएंगे, जाके TNT को ब्लास्ट करेंगे, जितने हो सके उतने नेदरराइट को हम एंशिएंट डेब्रीज को हम कलेक्ट कर लेंगे नेदरराइट इंगट बनाने के लिए। तो चलते हैं सीधा, यहाँ पे देखिए TNT, तो मैं एक तीर मारूंगा और ये फटते जाएंगे। तो बाकी जितना भी जो भी नज़ारा होगा आप लोग देखिए, ये देखिए कैसा फट रहे हैं, नहीं रुके वैसा फटते, इसलिए मैं एक छोड़ के लगा, वहाँ पे रुक गया, देखिए क्योंकि वहाँ पे नीचे गिर गया TNT, इसलिए वहाँ पे रुक गया। वाह, देखिए पहला वाला इंशा डिब्री यहाँ पे नीचे दिख गया, एक ऊपर, ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो हम फटाफट से तोड़ के ले लेंगे यहाँ से। बस ये जितने भी पिगलिंग्स है ये अपने को परेशान ना करे तो बस है। तो चलिए बहुत ही तेज़ी के साथ हम देखेंगे।
लोग भी अगर इसी तरीके से इंजन डेब्रिस को ढूंढ रहे तो आसपास में अच्छे से देख लेना साइड और ऊपर, तो कहीं ना कहीं इंजन डेब्रिस रहते अपने को नहीं दिखते हो तो अच्छे से देख लेना। और एक एक बात, ये लावा जो है ना, लावा के बाद से भी चुपके रहते तो लावा को बंद करके देखना, तो वहाँ पे भी इंजन डेब्रिस मिलने के चांसेस बहुत है। देखिए ये इंशन डिब्री तोड़ा ना, बाजू में ब्लॉक तोड़ा और एक ब्लॉक तोड़ रहा हूँ, देखिए इंशन डिब्री। तो ऐसा होता है अगर लौट रहा तो एक चार ब्लॉक्स तोड़ दिए तो वहाँ पे मिलने के चांसेस है। हर जगह ऐसी तोड़ना बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, कहीं कहीं डॉट है जगह करे तो मिलने के चांसेस रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना ही मैं TNT लेके आया था ना, एक शल्कर बॉक्स भर के, उसमें एक दो तीन स्टैक कम थे, तो ये देखिए इतना सारा मैं रास्ता तोड़ दिया, यहाँ पे इतना बड़ा सुरंग बना दिया, ये देखिए अभी इतना सारा है, लेफ्ट में राइट में पूरा है, कोने कोने तक के जाना है, बहुत लंबा लंबा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे देखिए इंजन डिब्री भी है यहाँ पे, मैं बताने के लिए रख दिया था जब कलेक्ट करते स्टेप पे कलेक्ट करेंगे बोल के, तो बीच में बहुत है इंजन डिब्रिस वहाँ पे, तो मैं सीधा कोने पे जाऊँगा, सीधा कोने पे जाके TNT भर दूँगा, अभी इसमें पूरा सुरंग में TNT भर दूँगा। म्यूजिक तो देखिए आप, सारे सुरंग में मैं TNT बिछा दिया। अभी मैं यहाँ पे नेटर में आ चुका हूँ, देखिए जाके हम सारे TNT को एक साथ में ब्लास्ट करेंगे और उसके बाद हम इंशन डिब्रिस को कलेक्ट करेंगे फिर से। कल जो मैं करा था वो, कल मतलब परसों करा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक शुल्कर बॉक्स भर के रही था, अब जो है ना पूरा माइन भर दिया। ये देखिए नीचे TNT दिख रहा है, यहाँ से मैं बूम मारूँगा, देखिए फट रहा है वो बूम। ये देखिए अब अपन नीचे जाके देखेंगे, अभी तो अपन यहाँ पे गिरने वाले हैं दबा के, क्योंकि सीढ़ियाँ ख़त्म हैं नीचे, यहाँ तक के TNT लगाए थे तो फट गए। ये देखिए इधर देखिए, उधर सिर्फ TNT है, वाह क्या नज़ारा दिख रहा है यार, बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा। ये देखिए इधर भी बहुत सारे TNT नए फटे, क्या प्रॉब्लम हुआ पता नहीं, रेंडर डिस्टेंस के वजह से नए फटे होंगे, कोई बात नहीं हम फोड़ लेंगे फिर से। चलो जितने भी दिख रहे सारे कलेक्ट करते हैं। कुछ ब्लॉक के वैसा है, करीब में जाके देखते हैं। ये देखिए ये ब्लॉक तो नहीं होता, क्योंकि ब्लॉक से भी बड़ा दिख रहा है ये, तोड़ के देखते हैं, टूटा भी नहीं, फिर क्या हो सकता है।
चढ़ सकते क्या? चढ़ भी नहीं सकते हम, ब्लॉक में अंदर चल जा रहे। ये हो सकता क्लिच होगा क्योंकि ब्लॉक भी नहीं है, तोड़ भी नहीं सक रहे हम, उसके ऊपर चढ़ भी नहीं सक रहे। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कितना टीएनटी लगा के क्या क्या कर दिया। देखिए कितना सारा फोड़ दिया पूरा सुरंग, क्या पूरा पूरे का पूरा नेदर को हम नीचे से पोगल कर दिए। ये देखिए, ये पहले दिन थोड़ी सा एक सुरंग है, ये लाइन सीधी एक ही एक लाइन जो फर्स्ट डे हम लगाए थे वो वाला है। ये देखिए बहुत ही लंबा सुरंग है ये। उसके बाद हम जो है ना यहाँ तक के खोदे थे। ये देखिए ये सुरंग है, ये फर्स्ट डे का है। ये पूरा पहला दिन का है जो एक शुल्कर बॉक्स भर के जो टीएनटी ले गए थे उसका है ये सब। उसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी हम सारे टीएनटी लगा के जो फोड़े ना वो है। देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा जो है ना पूरी ज़मीन को अंदर से हम खा गए नेदर की, तो नेदर की तो वाट लगा दिए हम। ये देखिए इतना वाट लगाए बोल के तो अपने को एंशिएंट डिब्रिस मिले भाई, नहीं बोल तो हो ही नहीं सकता था। और कितने दिनों की मेहनत है ये देखिए आप लोग। और बहुत दूर जाना ही जाना है। अभी तो ये एक साइड जा रहा हूँ, फिर अपोजिट साइड में भी जाना है सेम ऐसे ही। तो ये देखिए यहाँ तक है और भी आगे है। ये देखिए इतना लंबा चौड़ा है। फिर यहाँ पे एक सुरंग है एक छोटी सी, एक दो तीन स्टॉक बचे बाद था तो यहाँ पे लगा दिया। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ तक के है। ये रेंडर भी नहीं हो रहा देखिए सही तरीके से, यहाँ तक के है देखिए। और यहाँ से हम फिर पलट के पीछे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यह है एक सुरंग, यहाँ पे देखिए बेस टेन भी है, बेस टेन के नीचे खोद दिया हम, कहीं उसके पिलर गिर ना जाए। ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा सा सुरंग बना दिए। ये देखिए पूरा अपन बेड रॉक के नीचे आ गए। बहुत टाइम लगा भाई मुझे टीएनटी बिछाने, टाइम लगा और फोड़ने और एंशिएंट डिब्रिस कलेक्ट करने के लिए पूरा दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन मज़ा तो बहुत आया टीएनटी ब्लास्ट करने में, बहुत मज़ा आया। और ब्रिजिंग करते करते एंशिएंट डिब्रिस कलेक्ट करना बहुत मज़ा आया, लेकिन टाइम बहुत लगा यार क्योंकि मैं मोबाइल में खेलता हूँ ना तो बहुत टाइम लगा। ये देखिए इधर साइड में अभी टीएनटी फोड़ना बाकी है, मैं एक साइड ही बताया और एक साइड भी टीएनटी फूटना बाकी है तो इनको भी फोड़ते हैं हम। देखिए दोस्तों हम लोग पूरा कलेक्ट करके यहाँ पे आ चुके हैं, सारे शुल्कर बॉक्स यहाँ पे लगा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितने सारे एंशिएंट डिब्रिस को हम लेके आए। ये देखिए ये थोड़ा कुछ सामान है यहाँ पे इसके अंदर, और इसके बाद ये देखिए ये वाले में फुल भर के है। देखिए फुल भर के एंशिएंट डिब्रिस है और इसके अंदर दो लाइन और दो स्टैक है ऑलमोस्ट, और इसके अंदर खाली कूड़ा ही है। देखिए इसके अंदर भी कूड़ा ही है और थोड़े ब्लॉक और थोड़े यहाँ पे देखिए शुल्कर बॉक्स, इसके अंदर 3.5 स्टैक है और इसके अंदर देखिए 4 स्टैक है और इसके अंदर देखिए 6 स्टैक है। तो फ्रेंड्स ये पूरा मैं एक जगह कर लूँगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में ऐसे बेल आइकन को दबा करके ऑल पे कर लो ताकि हर वीडियो आप तक के पहुँच सके। और कितने एंशिएंट डिब्रिस है आप लोग कमेंट में बताइए।